और रीडिंग क्या है? साधना। और साधना के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो साधना और मन को समझोगे तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा कि तुम्हारे अंदर जो कूड़ा कचरा भरा है इसको 3 महीना निकालने में लगेगा और 3 महीना डालने में लगेगा। क्योंकि आपको देखना अच्छा लगता है, आपको सुनना अच्छा लगता है, आपको स्वाद अच्छा लगता है, इसका मतलब कि आपको अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। सबसे पहले देखिए, मैं कुछ प्रिंसिपल की बात नहीं करता, आप तो पढ़ने आए हो, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहा होगा, इंग्लिश में समस्या रही होगी। 2-3 बातें करना चाहता हूं। यहां पे मैक्सिमम आज के डेट में मैं देख रहा हूं हजारों लाखों 99% जो स्टूडेंट्स हैं ना, 99% स्टूडेंट्स हैं, उनको एक समस्या अक्सर बोलते हैं मेरे से कि सर समझ में नहीं आता, पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ता हूं तो समझ नहीं आता क्या करूं, कैसे पढ़ूं, मन नहीं लगता पढ़ने में, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। बस मैं तो पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, किताब उठाता हूं तो कुछ और ध्यान आता है, कुछ करता हूं कुछ और, दिन भर में किताब छूता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं। तो ये समस्याएं हैं, इंग्लिश तो खासकर, और पढ़ने का मन नहीं करता, इंटरेस्ट इसमें नहीं है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको माइंडवर्स करूंगा, क्योंकि आपको एक बार जो जंग लगा उसको छोड़ना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं है। पहले आप जानो उस चीज को, उसके बाद क्लास तो चलता ही रहे, क्लास में सिखाई दूंगा, पढ़ाई दूंगा, इसमें कुछ छुपा हुआ है नहीं, बहुत बच्चे सीखे हैं, किए, आप भी करोगे। तो सबसे पहला काम ये जानो किसी चीज में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है। राइट, पढ़ाई इंग्लिश है, आप इंग्लिश पढ़ने, इंग्लिश पर चर्चा करेंगे, हम लोग सब काम करेंगे, सारा चीज देखेंगे, आपका लेवल का वो चेक करेंगे, लेकिन पहले पढ़ने से पहले वह जानो कि इंग्लिश में इंटरेस्ट पैदा कैसे किया जाए, इंग्लिश में इंटरेस्ट पैदा कैसे किया। कितने बच्चों को इंग्लिश पढ़ने मन नहीं लगता, हाँ उठाइए प्लीज, सबको ही लगता हो, उठाए ना उठाए मुझे सब पता है, मन किसी का पढ़ने का नहीं करता क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। तो पहला वन चीज आपको, दो चीज आप, पांच आपके ज्ञान इंद्रिय कितने हैं, 5 senses है ना, जिसमें आईज, नोज, टंग, ईयर सब है ना, स्किन है ना। तो ये 5 ज्ञान इंद्रिय सबको पता होगा, राइट। तो जिसके 5 ज्ञान इंद्रिय होती हैं उसमें मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात गौर सुनना, जिसमें, जिस व्यक्ति में 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं उसमें मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। कैसे सर? ये बताओ, खाना खाते हो कोई मोटिवेट करता है क्या? कोई मोटिवेट करता है नहीं, नेचर नहीं है ये। खाना खाना क्या है? स्वाद। खाना क्या है? स्वाद। जीवा उसको क्या करता है? ऑटोमेटिक कहता है, रसगुल्ला देखा, अरे खा लेते यार, समोसा खुशबू आया नाक में, अरे कहां समोसा बन रहा है, कहीं मछली को खाता होगा, चिकन खाता होगा, अरे चिकन आज बन जाता। कोई मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि वो आपके गुलाम हो, आप उसके यानी सेंसेस के, आप उसके अनुसार काम करते हो। तो 99% आ जाओ, तुम्हारी सीट रखा हूं, आ जाओ, तुम्हारी आ जाओ। तो जो जो व्यक्ति अपने सेंसेस के अनुसार चलेगा, जो जो व्यक्ति अपने सेंसेस के अनुसार चलेगा, ज्ञान इंद्रियों के अनुसार चलेगा, वह व्यक्ति को पढ़ने में मन नहीं लगेगा। पहला सिद्धांत, क्योंकि आपको देखना अच्छा लगता है, आपको सुनना अच्छा लगता है, आपको स्वाद अच्छा लगता है, इसका मतलब कि आपको अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। मेरी बात आराम से, थोड़ा फिलोसफिकल बातें करूंगा आज 5-7 मिनट, क्योंकि आपको ब्रश करना, हटाना है, सिखाना है पहले चीज की, आप हो कौन, आप खुद ही अपने आप को नहीं जानते, आप हो कौन, क्यों यहाँ आया हो। तो जिसके अंदर ये 5 sense ज्ञान इंद्रियों के अनुसार जो व्यक्ति चलेगा उसको पढ़ाई में मन भटकेगा। क्यों? क्योंकि वही आप पर शासन करेगा। जैसे आज पढ़ने का मूड था, मन कहा कि जरा किताब निकाले, मन कहा कल सिगरेट पी लेता, जो खैनी खाता उसका एक मार लेता, जो चाय पीता उसका चाय पी लेता। जब तुम किताब पकड़ते हो, तुमको एक किताब, जब दिन भर तुम पार्क में बैठे रहो, मूवी में बैठे रहो, तुम जो सुनने में अच्छा लगता है, तुम घंटों बैठे हो, तुमको कोई याद नहीं दिलाएगा कि तुमको पढ़ना भी है। ऐसा होता है कभी? बोलो, किसी का निंदा सुन रहे हो, कोई बढ़िया लेक्चर सुन रहे हो, या कोई भी चीज कान में सुन रहे हो, कहीं मूवी थिएटर में बैठे हो, तुम मूवी देख रहे हो, तुम घंटों बैठे रहो, क्या मजाल तुमको ये कह दे दिमाग कि चल यार पढ़ना था, नहीं और बोलना और क्या था, बस समझ पा रहे हो? तो आप जिस चीज में करने को मन करता है आप वो करते चले जाते हो, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाता। और पढ़ना क्या है? तो आपके सेंसेस जो होते हैं, दो कॉन्सेप्ट है, एक जो आप अपने सेंस पर काम करते हो और एक जो आपका रीडिंग है, ध्यान देना,
जो रीडिंग है और सेंसेस पे काम करते हो, तो ये जो सेंस होता है ये आपको भटकाता है। किस काम से? रीडिंग क्या है? तो रीडिंग है आपका तप, साधना है। क्या है जी? साधना है। और इसी सेंसेस को हम मन कहते हैं। तो साधना और मन को समझोगे तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। यानी जो मन है वो फाइव सेंसेस है। अब तो खाने का मन कर रहा है, सोने का मन कर रहा है, सुनने का मन कर रहा है, देखने का मन कर रहा है। कहीं मार्केट में जाते हो, सुंदर वस्तुएं देख लेते हो तो लगता दिखता रहूं, कुछ गाना सुन लिया सुनता रहूं, कुछ चिकन खा लिया खाता रहूं। आज चिकन खा लिया तो कल मटन का स्वाद, मटन खा लिया फिश का स्वाद, समोसा का स्वाद, कुछ और भी नया चीज का स्वाद। लेकिन जब आपका मन करे कि चिकन खाना है, आप सफर तो खाऊंगा ही नहीं, कोई निंदा कर रहा है मैं सुनूंगा ही नहीं, कोई गाना बज रहा है मैं सुनूंगा ही नहीं, तो उस दिन से आपके अंदर साधना शुरू हो जाएगा। और साधना शुरू होगा कि मन आपको भटकाएगा कि तुम क्या फंस रहा है, ये काम करो। यानी यहीं पे युद्ध चलता रहता है मन में और साधना में। और रीडिंग क्या है? साधना। और साधना के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। पढ़ाई में मोटिवेशन चाहिए कि आप पढ़ क्यों रहे हो। उसी पढ़ाई को तुम मन में ढाल लो, उसी पढ़ाई को तुम अपने टंग पे, जुबान पे ले आओ, कान पे ले आओ, आंख पे ले आओ। यानी पढ़ना साधना है। साधना क्या है? तप है। और तप बना है तपस्या से। तप, तप मतलब होता है जलना। यानी आपको जलना पड़ेगा। बस समझ पा रहे हो? अगर आपको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, आपको थोड़ा सा तप करना पड़ेगा, अपने आप में ज्वालामुखी बनना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। और दुनिया में जलने वाले लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो जलना चाहते हैं, पाना सब चाहते हैं। सेंसेस के गुलाम है ना ये, फाइव सेंसेस है, ये गुलाम है। चाहिए सब, जलूंगा नहीं, सारा चीज रेडीमेड चाहिए मुझे, जलूंगा नहीं, तप नहीं करूंगा, तपस्या नहीं करूंगा, साधना नहीं करूंगा। और यही मन को तुम, इसी तपस्या को तुम कहो कि सेंसेस में ढालेंगे सर, तो उसको ये बताओ कि तुमको चिकन खाना है ना, तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चिकन के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कहां से आएगा? जॉब से। तो आप पढ़ क्यों रहे हो? तो आप पढ़ रहे हो नौकरी पाने के लिए, आप पढ़ रहे हो अच्छी सुख सुविधा के लिए, आप पढ़ रहे हो जॉब पाने के लिए। तो उसको यह दिखाना पड़ेगा कि हम पढ़ रहे हैं मजबूरी में, चिंता ना करो, फिर पढ़ाना छुड़वा दूंगा तुम्हारा। अपने मन से बात करो कि अभी तात्कालिक पढ़ रहे हो, परमानेंट नहीं पढ़ रहे हो, यही पढ़ाई तुम्हारा 2 साल बाद छूट जाएगा। तो ये पढ़ाई कैसा हो गया? तो एक प्रकार डिप्लोमा कोर्स हो गया, ताकि कोर्स करने के बाद हमें जॉब मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, और फिर हम अपने सेंसेस को ज़्यादा खुश रख पाएंगे, ज़्यादा बढ़िया खाना खा पाएंगे, ज़्यादा बढ़िया स्किन को आराम दे पाएंगे, अच्छे बिस्तर पे सोएंगे, अच्छा वस्त्र पहनेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो क्या होगा? सेंसेस खुश होगा कि अच्छा इसलिए पढ़ रहा है कि मेरे को ज़्यादा सुख सुविधा दे। फिर भटकाएगा कि अभी तो मिल ही रहा है तुमको, बस समझ पा रहे हो? तो ये युद्ध हर दिन चलता रहता है, एवरीडे व्यक्ति युद्ध करता है, पढ़ूंगा। और जब तुम आंख बंद करेगा तो सारी बातें याद आएंगी, कहेगा कि अरे फलाना काम छूट गया, वो काम छूट गया, आंख खोलेगा सब खत्म। तो मेडिटेशन करने तुमको देगा नहीं, क्योंकि इन दोनों के रास्ता को जोड़ने वाला कौन है? साधना। साधना को कहते हैं मेडिटेशन। यानी 2-4 मिनट तुम्हें अपने आप को जानना ही पड़ेगा। और मेडिटेशन आता है मोटिवेशन से। यानी हमेशा तुम्हें मोटिवेट होना ही पड़ेगा अंदर से। और मोटिवेशन होता है इनर, न कि आउटर। अब आउटर मोटिवेशन, आज मोटिवेट कर लिया, शाम तक पल्ला झाड़ लिया, तुम ज्यादा मोटिवेट हो, कब तुम पढ़ने नहीं आओगे? बात अंग्रेजी तो घर ही पढ़ लूंगा मैं, 2 दिन बाद फिर याद आ गया तो हो नहीं रहा, फिर वो चीज पढ़ने आओगे। तो सबसे पहला काम है कि आपको इनर मोटिवेशन की आवश्यकता है, अंदर से मोटिवेट हो जाओ कि आपको यह चीज चाहिए ही चाहिए। और चाहिए तो कैसे मिलेगा, उसके अनुसार हम काम करेंगे। ये है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, जिसपे आपका लाइव क्लास चल रहा है फिलहाल अभी, राइट नाउ। इस पे मिलियंस प्लस, 1 मिलियन प्लस, मतलब 2 मिलियन के आसपास हो गया होगा, लेकिन दिखाता है 1 मिलियन ही, वो 5 मिलियन होगा तब दिखाएगा दोबारा। तो ये मिलियंस डाउनलोड है, जिसमें लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे। गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, और आज पहला क्लास से क्लास स्टार्ट है, तो बिना देर किए डाउनलोड करना है। जो बच्चे यूट्यूब पढ़ रहे हैं, अगर आप विद्वान हो तो फिर आप यहां नहीं होते। जैसे 2 लड़का था, एक लड़का को सीखना था वायलिन,
एक गुरुजी के पास दो बच्चे गए, एक को वायलिन थोड़ा बहुत आता था, मतलब सीखता था, बजाता था, और एक को कुछ आता नहीं था। दोनों गए गुरुजी के पास, दोनों अलग अलग राज्य से आए थे। गए गुरु के पास, बोला गुरुजी मैं सीखना चाहता हूँ वायलिन। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें कितना आता है? बोला मैं कोरा कागज हूँ, कुछ नहीं आता, आप जो बताएंगे मैं सीख लूँगा। गुरुजी ने कहा कि 3 महीने का टाइम और 3,000 फीस लगेगा। बच्चे ने कहा दे दूंगा। पड़ोसी पूछे तुम्हें कितना आता है? बोला मैं तो जी विद्वान हूँ, मुझे सब आता है, बस आपका नाम सुना हूँ, ब्रश करने आया हूँ, उतना का। गुरुजी ने कहा कि 6,000 फीस लगेगा, 6 महीने का टाइम लगेगा। उस लड़के को बड़ा बुरा लगा, बोला गुरु हमसे जल रहा है, इस मेरा बेवकूफ को कह रहा है 3 महीना और मैं विद्वान को 6 महीना। उसे रहा नहीं गया, पूछा गुरुजी एक बात बताओ कि आप इस बेवकूफ को करोगे इसी की जगह 3 महीने में, आप मुझे करो 6 महीने टाइम ले। गुरु ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो कूड़ा कचरा भरा है इसको 3 महीना निकालने में लगेगा और 3 महीना डालने में लगेगा। ये तो कोरा कागज है, जो डालूंगा एक्सेप्ट कर लेगा, ये इसके अंदर डाउट नहीं रहेगा। लाइक दैट, ये है डीएसएल लर्निंग ऐप। डीएसएल लर्निंग ऐप पे आपको घर बैठे क्लास मिलेगा, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, सारा कुछ। तो ये क्लास इस पे भी चल रहा होगा और उस पे भी चल रहा होगा, दोनों ऐप पे चल रहा होगा, ठीक है? तो डीएसएल लर्निंग ऐप पर भी और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर भी, ठीक है? जिसके पास शक्ति है, पावर है, उसी के पास पैसा है। भोगता वही है, मेरे पास पैसा लेकिन भोग नहीं रहा हूं। पैसा है मेरे पास ही नहीं, जानते हो पैसा मेरे पास है नहीं है जी भाई, ऑनलाइन में इतना है, सब कुछ है, पैसा है, लेकिन उस पैसे का भोग मेरे अंदर नहीं है। भोगता कौन है? जिसके पास शक्ति होता है, पावर होता है। अगर मैं आईपीएस होता, आईएएस होता, तो क्या होता है मेरे पास? पावर। तो पैसा अपने आप आता, पैसा अपने आप, मैं मांगता नहीं, अपने आप कहता कि सर है व्यवस्थापना, सर खाली एक साइन करना है, सर एक साइन कर दीजिए सर यहाँ पे, हम कि ना इतना ना ठीक साइन करिए सर, साइन हो जाता, बस मेरे हो ना 4 बॉडीगार्ड पीछे से, ऐ प्याला खाना मेला चल। उसको तो भोगना, उसको ऐस कहते हैं। तो पढ़ाई करो ना मस्ती में, उसी पावर के लिए पढ़ो ना। यानी पावर अगर तुम्हारे पास आ जाएगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा। बस समझ मारे बात को ना। एक कॉमन इंस्पेक्टर शाहरुख खान को बिठा सकता है घंटों, पैसे तो अरबपति है वो, लेकिन उसको थप्पड़ मार बैठ क्या नल्ला कल पैसा कमा रहा है ना जी। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तुम बन जाओगे ना एसएससी के माध्यम से, वो किसी घर में दबोच लेगा, चल घर पैसे दर्जा। पर बात सुना, कहने का सेंस है कि हम सभी लोग क्या चाहते हैं? पावर चाहते हैं। अरे पैसा तो बिजनेस खोल लेगा, वहां से पैसा आ जाएगा, यहीं से पैसा आ जाएगा, चाय बेच कर लोग पैसा कमा रहा है। लेकिन आप सभी क्या चाह रहे हो? वो असीम क्षमता भोगना चाहते हो जीवन को, ये जन जन मिला तो उसको ऐस करना चाहते हो। तो सबके प्रत्यक्ष यहां पर क्या होता है? चाहत होती है अच्छा काम करने की, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा तो जलना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हारे जैसे लाखों लोग उस पावर को चाह रहा है। तो तुम्हारे पास वो पावर कैसे आए? मुद्दा है ना बेटा, तुम्हारे पास ही वो नौकरी क्यों आए? तो नौकरी आएगा तब जब तुम थोड़ा सा तपोगे, और उस तपने के लिए ये सेंसेस जो है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और सेंसेस क्या है? मन। इस पांचों सेंसेस का कंट्रोल किस पास? मन के पास। तो मन को समझाओ कि अभी जो पढ़ रहे हो तुम्हारी खुशी के लिए पढ़ रहा हूं। तब मन कहे अच्छा मुझे खुशी देगा, तो कुछ देर पढ़ाएगा फिर भटकाएगा कि ना ना तू मुझे यूज करता है। कहोगे तो याद कर लो, जैसे बचपन में क्या होता था, पापा मम्मी कहते थे पढ़ लो बेटा चॉकलेट दूंगा। अब बताओ चॉकलेट क्या है? सेंसेस है कि नहीं है? पापा कहते थे बेटा मैट्रिक में टॉप करेगा बाइक ले दूंगा। बोलो बाइक सेंसेस है कि नहीं है? क्योंकि बाइक से थ्रिल आएगा, आनंद आएगा, दिखाओगे चला के लोग।
तो हर चीजें मजा और आनंद, वही मजा आनंद आज चाहिए, अभी की एज में चाहिए, और वो धर्मेंद्र दिलाएगा तुम लोगों को, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएंगे, आनंद दिला दूंगा आपको। आपको मेरे पढ़ाने में आपको आपकी छवि दिखेगी, आप जिसको चाहते आपको प्यार हो जाएगा, पढ़ने से और सीखने से आनंद आएगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए क्लास में।